हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केन स्टडीज़। और आज हम लोग देखेंगे अपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के 7th लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइसेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये एक थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिस पे कि बेस्ड है। इसे 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने दिया था एक साथ मिलकर, और उसी समय पे मॉर्गन ने भी दिया था इस थ्योरी को। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट एक मैक्सिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स होता है, जो कि स्टेनोस्फेयर पे मूव करता है ऊपर में उसके। ये प्लेट्स जो होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स के बने होते हैं। ये दोनों के भी कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, सिंगलली भी फॉर्म हो सकते हैं, एक एक करके भी मिल सकते हैं। इनकी थिकनेस जो होती है 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच रेंज करती है। ओशियनिक पार्ट में ये कम होती है, 5 से 100 किलोमीटर के बीच में, जबकि कॉन्टिनेंटल पार्ट में ये 200 किलोमीटर तक, जो कि माउंटेन रेंजेस या हिली रेंजेस और प्लेट्यूज रीजन्स है, वहाँ पे इनकी विड्थ और डेप्थ या जो भी आप कह लें ज़्यादा होती है। अर्थ का लिथोस्फेयर जो है 7 मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट में डिवाइडेड है, और कुछ माइनर प्लेट्स भी इसमें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन से 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो पहला जो है सो एंटार्क्टिका और सराउंडिंग ओशनिक रीजन है, तो ये एंटार्क्टिका प्लेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जिसमें कि यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ये सब रीजन आते हैं। साउथ अमेरिका जो है उसमें लैटिन अमेरिका आता है, और यहाँ पे आप ये लाइन पे ध्यान रखिएगा जो कि पेरुवियन कोस्ट के तरफ से है, जो कि मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के तरफ है। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ लैंडमास और जो अटलांटिक ओशन का जो ओशनिक रीजन है, मिड ओशनिक रीजन के बीच का ये कॉम्बिनेशन है, और ये एक ओशन कॉन्टिनेंट लिथोस्फेरिक प्लेट है। उसके बाद जो है पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट आप यहाँ पे फिगर थोड़ा कटा हुआ है तो देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका के कोस्ट को थोड़ा सा हटकर लगता है यहाँ पे, और इधर जो है ये फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट, न्यूजीलैंड को पकड़ के इस रीजन को फॉर्म करता है। उसके बाद जो है सो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है। उसके बाद अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक रीजन, तो ये ओशनिक रीजन अटलांटिक का हो गया, ईस्टर्न अटलांटिक का, और ये अफ्रीका हो गया। ये रेड सी के तरफ से इधर से मेडिटेरेनियन को होके पास करता है, ठीक है। उसके बाद यूरेशियन प्लेट है, जिसमें कि आपका यूरोप और रसिया, ये पूरा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। अब माइनर प्लेट्स देखते हैं हम लोग। तो माइनर प्लेट्स यहाँ पे 6 मेंशनड हैं, उसमें से पहला जो है सो कोकेशन प्लेट है। ये यहाँ पर आप देखते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ, यानी कि मैक्सिको के वेस्टर्न कोस्ट के तरफ ये कोकेशन प्लेट है। उसके बाद नजाका प्लेट है, ये जो कि है सो वेस्टर्न कोस्ट, लैटिन अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। उसके बाद अरेबियन सी प्लेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि अरेबियन पेनिनजुला आता है, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस प्लेट है यहाँ पे, जो कि फिलीपींस का रीजन है, उसका कोस्टल रीजन्स और ओशनिक रीजन आता है। उसके बाद यहाँ पे कैरोलिन प्लेट है, और ये कैरोलिन प्लेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म करता है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। तो ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में इस रीजन में कहीं पे कैरोलिन प्लेट फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद फूजी प्लेट है, फूजी प्लेट जो है सो यहाँ पे ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह के होते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज उसे कहते हैं जहाँ पे कि जो फ्रैक्चर जोन है, जहाँ पे ये जैसे फ्रैक्चर जोन है, तो इससे दोनों तरफ अपोजिट प्लेट मूव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अवे मूव करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है यहाँ पे क्या फ्रैक्चर जोन के तरफ मूव करते हैं दोनों प्लेट्स। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे कि नए प्लेट्स और नए लावा का जनरेशन हो, और जो वहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। हालांकि जहाँ पे कंजम्पशन होता है प्लेट बाउंड्रीज का, तो वहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं एक सबडक्ट होता है, और उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज करते हैं। और जहाँ पे ये दोनों में से कोई प्रोसेस नहीं होता, फिर भी प्लेट्स का मूवमेंट होता है, यानी कि जो फ्रैक्चर जोन है तो उसमें ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है, वहाँ पे जो है सो हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं।
ठीक है, अब रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट देख लेते हैं। तो एंड आर्कटिक रीजन में जो है सो स्लोवेस्ट प्लेट मूवमेंट है इस रीजन में यहाँ पे, जो कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर का है। जबकि ईस्ट पैसिफिक राइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है सो ईस्ट पैसिफिक राइज का रीजन है। ठीक है, ईस्ट पैसिफिक राइज रीजन में जो ईस्टर आइलैंड के पास है, यहाँ पे जो फास्टेस्ट प्लेट मूवमेंट है, और ये इसीलिए कहा जाता है कि पैसिफिक रीजन है सो टेक्टोनिकली मोस्ट एक्टिव रीजन है। यहाँ पे जो है सो 15 सेंटीमीटर पर ईयर का रेट है प्लेट्स के मूवमेंट का। उसके बाद फोर्स जो होते हैं प्लेट मूवमेंट के, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कन्वेक्शनल सेल या कन्वेक्टिव फ्लो। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये जो अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो है सो लावा जब मूव होता है या मोल्टेन रॉक जो मूव होता है, ये अपसाइड होता है और सरफेस पे आके ये डाइवर्ज कर जाता है। जहाँ पे डाइवर्ज करता है वहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सरफेस पे बनेगी, और ये फिर कुछ दूर के बाद जाने के बाद जब ये कूल हो जाता है तो फिर ये सबडक्ट होने लगता है, और ऐसे सबडक्शन जोन पे जो है सो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनता है। ठीक है, तो ये जो एक सर्कल पूरा सर्कुलर पाथ जो मोल्टेन लावा का बनता है, इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव सेल या कन्वेक्टिव फ्लो। और इसका जो मेनली जो सोर्स ऑफ हीट है जिसके कारण की रॉक मेल्ट होता है और जिसके कारण की रॉक्स का मूवमेंट होता है मोल्टेन रॉक का, उसका सोर्स होता है रेडियो एक्टिव डिके। यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो जब डिके होते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं, और यही हीट जो है सो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड में जो रॉक्स हैं उनको मेल्ट करता है, और जिसके कारण की कन्वेक्टिव सेल बनता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ हीट होता है इसमें रेसिड्यूअल हीट, यानी कि जब हमारा प्राइमोर्डियल अर्थ बना था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो वो बहुत हॉट था, तो सरफेस में बाहर की तरफ तो जो हमारा अर्थ है वो ठंडा हो गया, कूल हो गया, बट जो अंदर का जो हीट था वो अभी भी धीरे धीरे जो यहाँ पर सरफेस पे और जो सेंटर पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके कारण जो फ्लो ऑफ टेम्परेचर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर, तो जब ये मूवमेंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा टेम्परेचर का, तो वो साथ में जो रॉक्स हैं अंदर सरफेस के अर्थ के उसको भी मेल्ट करता है, और उसके कारण जो है सो ये एक अनदर सोर्स बनता है हीट का जो कि कन्वेक्टिव सेल को जनरेट करता है। अब देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो प्लेट मूवमेंट है, इंडियन प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये जो प्लेट मूवमेंट है इंडिया का, ये चालू हुआ 71 मिलियन ईयर्स अगो। उसके पहले इंडिया का जो पार्ट है ये अटैच था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये अटैच था, और जब ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट हुआ इसका, तो ये 71 मिलियन ईयर्स अगो चालू हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज जो है सो इसका जो मूवमेंट का पाथ है, डायरेक्शन है, ट्राजेक्ट्री है, उसको दिखाया गया है। इसमें यहाँ पे 55 मिलियन ईयर्स अगो पे ये पोजीशन था, 38 मिलियन ईयर्स पे ये पोजीशन था, उसके बाद अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो ये हिट किया आके यूरेशियन प्लेट को, और वहाँ पे फिर जब जो है सो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में, और जिसके कारण कि वहाँ का जो हमारा जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लाइन कहते हैं जो सेडिमेंट्स रहते हैं ओशनिक रीजन में या वाटर रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो टेथिसी था पहले, और वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन हुआ था, ये जब दोनों प्लेट का कन्वर्जेंट बाउंड्री बना तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे ये कंप्रेशन हुआ इनका, और यही जो है सो फिर फोल्ड माउंटेन्स बन गए हिमालयन रीजन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सो टेक्टोनिक प्लेट्स का, टेक्टोनिक एक्टिविटी का क्लास खत्म होता है। आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेरीज या कन्फ्यूज़न के लिए इन सब नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए रंजीत सर का ये नंबर है, ये कॉल कर सकते हैं आप केन स्टडीज़ की हेल्पलाइन पे, और ज्योग्राफी स्पेसिफिक या किसी भी और रीजन से आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।